नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। झारखंड हाईकोर्ट में 7वीं जेपीएससी मामले में 13 को होगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर एस एन पाठक की कोर्ट में 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 13 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर ईशा प्राची स्नेहा तिर्की ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को यह बताया कि प्रार्थी को अंतिम चयनित अभ्यर्थी से ज्यादा अंक मिले हैं, लेकिन जेपीएससी ने परिणाम जारी नहीं किया है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरावाल ने कोर्ट में शपथ पत्र के साथ प्रार्थी का ओएमआर शीट भी दाखिल किया है। शपथ पत्र में कहा गया है, प्रार्थी ने पेपर 2 की ओएमआर शीट में अनुक्रमांक सही से नहीं भरा है, इस वजह से ओएमआर शीट की जाँच नहीं हो पाई, इसलिए उनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। इसी मामले के साथ टैग कुमारी कंचन मेहता की याचिका पर सुनवाई हुई। कंचना की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया कि उन्हें कम अंक दिया गया है, जबकि स्व आकलन से उन्हें अंतिम चयनित अभ्यर्थी के बराबर अंक मिलना चाहिए। इस पर जेपीएससी ने कहा कि जांच में उन्हें कम अंक ही मिले हैं, जिसे अब संशोधित नहीं किया जा सकता। इस मामले में भी 13 जनवरी को सुनवाई होगी। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एस एन प्रसाद की अदालत में 7वीं जेपीएससी में उम्र की छूट को लेकर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर भी सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में पहले ही कोर्ट अपना फैसला दे चुकी है, ऐसे में अब कुछ बचा नहीं है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मोहर लगा दी, इसलिए प्रार्थी की याचिका को खारिज किया जाता है। इस संबंध में मुकेश कुमार की ओर से एकल पीठ के आदेश के खिलाफ खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से कहा गया कि जेपीएससी को हर साल परीक्षा के लिए विज्ञापन निकालना चाहिए था। पूर्व में जेपीएससी ने विज्ञापन जारी किया था, जिसमें उम्र की सीमा का निर्धारण वर्ष 2011 रखा गया था, लेकिन इसे वापस लेते हुए संशोधित विज्ञापन जारी किया गया। इसमें उम्र की सीमा निर्धारण 2016 रखा गया है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।